नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच में एक बार फिर से आया हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करनी है। मैंने आपको क्यूब बताए थे, ठीक है। क्यूब पे मैंने आपको 1 से 46 मैंने लेक्चर उसके बहुत कम लिए थे। रीजन ये था क्योंकि अगर मैं इस पे लेक्चर बनाता तो बहुत लंबा जाता था लेक्चर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस टेक्निक को आपको बताया कि किस टेक्निक से निकाले जाते हैं। कुछ टेक्निक्स मैंने निकाला। अब जैसे 22 था तो 22 पे मुझे डक याद आया। डक को हम क्या खिला रहे हैं, शुगर खिला रहे हैं, ठीक है। 24 आया तो चारों धाम आया। 16 आया तो 16 सिंगार याद आया। सिंगार वाली की हुई लड़कियों को रेस्पेक्ट दी जाती है। तो रेस्पेक्ट का कोड कितना सिंपल है, ये सारी चीजें हमको याद हो गई है, ठीक है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इतना तो गारंटी देता हूं, तो याद हो जाए। अब जैसे मुझे याद है, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया बट याद है मुझे। तो अब 1 से 46 मैंने इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, जिनको नहीं मिला है, उनको मिल जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उनको मैं पूरा 100 तक बना के देने वाला हूँ। अब 46 तक है, अब 46 से लेके सपोज 50 तक आप बना लीजिए, तो 50 से 100 तक मैं आपको देता हूँ, अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। बट आप जल्दी घाई मत कीजिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी बट वो धीरे धीरे होंगी, जल्दी जल्दी कोई चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो उस पर काम चालू है। जैसे ही 100 तक हो जाता है मैं सेंड कर दूंगा, पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो अब मैंने आपको ये क्यों अब खुद से करने बोला था, इसका रीजन ये था कि आप अगर खुद से करेंगे तो चीजें क्या होंगी, आपको समझ में आएंगी किस तरह से करनी है किस तरह से नहीं करनी है। मैं बना के दे दूंगा, आप ले लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है। इसलिए मैंने बोला था मैं यहाँ पे आपको ये नहीं करा रहा हूं, मैं आपको याद नहीं करा रहा कोई चीज की, जितना मैं कराऊंगा उतना ही करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा करें, ठीक है, आप मुझसे भी ज्यादा करें और उन चीजों को जल्दी हासिल कर पाए जो चीजें 1-2 साल लग जाती है हासिल करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं जितने चीजें बताता हूँ वो विदाउट यूज किए पेन और बुक है। आप किसी अपने सामने वाले खड़ा कर दो इसको क्यूब आता है और आप खुद खड़े हो जाओ और पूछ लो दोनों कॉम्पिटिशन में जिसको क्यूब, उसको वो बुक निकालेगा पेन निकालेंगे सोल्व करेंगे, आप 2 मिनट में आंसर 2 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे फटाक से। तो ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप घबराइए मत। और एक चीज आपको निकालने में दिक्कत यहाँ हो जा रही है, आप क्यूब क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने 11 से 20 तक बताया, एक अलग वे से बताया, 16 साल की ऐसी लड़की है, ठीक है, 19 साल का लड़का, इस तरह से बताया, 18 साल का वोटिंग लिस्ट है। और फिर मैंने 21 से 30 तक बताया कि 21 को किस तरह से, 22 को डक बोलना है, 23 को हर्ड बोलना है, 24 को क्या बोलना है। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि इसके आगे का कैसे बनाएंगे, इसके आगे का सिंपल है, इसके आगे का आपको कोई इमेज नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब हाँ, इमेज ही बनाना है बट अलग वे में, मैं बताता हूँ आपको, देखो और ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ही काम खत्म होगा मैं डाल दूंगा। और एक चीज, इसके बाद अगर टॉपिक आपको चाहिए कुछ, आज के लेक्चर्स में मैं आर्टिकल्स या कुछ और लूंगा, बट अगर आपको पीरियोडिक टेबल भी याद करनी है पूरी की पूरी, पीरियोडिक टेबल मात्र 1-2 घंटे के अंदर मैं याद करा दूंगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर बनाऊंगा, उसके 2-3 लेक्चर देख ले तो कोई आपको हरा नहीं सकता। पीरियोडिक टेबल प्लस नंबर के साथ में 55 पे कौन सा है आप ये बता सकते हो, 56-70 पे कौन सा है, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से तुम तुरंत जवाब दे सकते हो। ना कोई स्टोरी याद करनी है ना कुछ याद करनी है, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ, कुछ स्टोरी नहीं याद करनी है। जो टेक्निक मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही टेक्निक मैं लास्ट तक यूज करूंगा और आपको पीरियड टेबल याद हो जाएगी। आज मैं एक पीडीएफ डालने वाला हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे कुछ लोग पहले और अधिक लोग जुड़ जाएं ताकि मैं पीडीएफ बार बार ना डालूं, एक बार पीडीएफ डालूं तो सारे लोगों तक पहुंच जाए। तो उस नंबर से देखो, मैं एक पीडीएफ डालूंगा, नंबर्स के पीडीएफ डालूंगा, देखो इस तरह के नंबर्स के पीडीएफ होंगे। जैसे मैंने आपको क्यूब तो 39 तक बता दिया था, 40 तक, ठीक है। अब किस तरह से आपको यहाँ पे करना है कि जैसे अब 51 है और 52 है, तो अब इसको ज्यादा कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे अलग टेक्निक उस समय बताया था, इधर कुछ टेक्निक नहीं। यहाँ पे क्या करना है, देखो 5 को एल बोलते हैं और इसको डी। अब देखो मैं हमेशा 51 को हमेशा लड्डू से यूज करता हूँ, लड्डू, तो यहाँ पे लड्डू आ गया, देखो लड्डू 2 है तो एक ही लेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे माइंड में सेट हो गया है कि मैं चीजें नंबर देखता हूँ तो एक ही वर्ड याद आती है, वही वर्ड जिसको मैं बार बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। अब जैसे 54 है तो 54 से मुझे क्या आता है, देखो यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल, तो मुझे लाइन याद आता है तुरंत, क्या आता है लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2। अब भी अर्जेंटली मैं ऐसा नहीं बना सकता था बट मैंने बना के इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मुझे 52 पे हमेशा लाइन ही याद आता है। अब 53 पे क्या आता है, मुझे लाइन याद आता है। 54 पे मुझे क्या आता था, लव भी याद आता है, ठीक है। 54 पे क्या बनेगा, देखो 54 का अगर बनाएंगे तो 54 यहाँ पे एल यहाँ पे आर, ठीक है, इसका लारा बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, लारा, लारा एक लड़की है, ठीक है। 55 पे क्या बनेगा, लालू बनेगा, इस तरह से आप समझ रहे हैं। 51, 2, 3, 4,
55 लारा बन गया और लालू बन गया, 51 52 लायन बन गया, लैम बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, चीजें समझना है। 51 52 53 54 55 तो ये पांच चीजें आपको, मतलब मैं यहाँ पे टेक्निक बता रहा हूँ किस तरह से। अभी जो पीडीएफ मैं यहाँ पे ग्रुप में डालने वाला हूँ, ये सारे वर्ड्स होंगे, वो 1 से 40 तक तो आपने याद कर लिए हैं, 1 से 40 तक कैसे किसको क्या चेंज करना है। अब जो 41 से मैं आपको दूंगा, 41 से मैं आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा पूरे 100 तक, कौन से वर्ड से कौन सा वर्ड बनता है, मतलब कौन से नंबर से कौन सा वर्ड बनता है। आप उस चीज को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नंबर लिख लिख के याद करिए कि 41 को किस तरह से बनाते हैं, 42 को क्या वर्ड बनाते हैं, जैसे 42 को आर और एन होते हैं तो रन हो गया, देखो किस तरह से रन याद आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया फटाफट। तो आप भी उन कोडों को याद कर लीजिए कि इस नंबर से इसी कोड को क्या करते करते, आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, याद भी नहीं करना। आप 42 को एक बार ऐसा खुद से बनाइए, 42 से क्या बन सकता है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइए पीडीएफ को देख देख के। एक दिन आएगा कि आपको 100 तक विदाउट कोई भी कोड आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में तुरंत आएगा। आपने जैसे 51 देखा आपको लड्डू याद आएगा, 52 देखा आपको तुरंत लाइन याद आ जाएगा, 53 देखा लैम याद आएगा, 54 लारा। और आप देखेंगे कि मैं हर जगह पे यही सारी चीजों का यूज करता हूँ, लैम भी यूज करता हूँ, लारा भी और लालू भी। लालू हम लोग कितना जगह यूज किए, जहां 55 लिखते हम लालू यूज करते हैं। तो इस तरह से वो वर्ड आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ, उसके बाद आप बनाइए, अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और पीरियड टेबल आपको अगर याद करें तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरे पीरियड टेबल मात्र 2 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, 3-4 लेक्चर लगेंगे उसके खत्म हो जाएंगे। पूरे पीरियड टेबल आप नंबर के साथ बता सकते, दोबारा भूलेंगे भी नहीं, आर्टिकल्स में याद करा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर वो सारी चीजें चाहिए, बुक ऑथर, आप कुछ भी मुझे कमेंट कर सकते हो जो आपको याद करनी है, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा। रिवर डैम भी याद करा सकता हूँ, आर्टिकल्स मुद्रा याद करा सकता हूँ, करेंसी ऑल इंडिया पूरे पूरे वर्ल्ड की मैं करेंसी आपको याद करा सकता हूँ, ठीक है। और उसके कैपिटल्स, पूरे वर्ल्ड के कैपिटल्स मैं याद करा सकता हूँ। बस आप कमेंट करिए किस चीज पे आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब लड्डू, यहाँ पे लड्डू है, तो अब इसका मुझे याद नहीं है बट इसके कोड आप समझे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लड्डू दिया, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे लारा, यहाँ पे लालू, ठीक है। अब इसका जो नंबर है, ठीक है, एक मिनट मैं इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर इसका मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं, ओके। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं कोडिंग करके, देखो किस तरह से मैं इसको बनाता हूँ। अब मैंने बोला था 51 से हमको क्या याद आया, लालू याद आया, 52 से लायन, 53 से लायन, 54 से लारा और 55 से लालू। तो आगे देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ। अब लड्डू दिया हुआ है, तो लड्डू दामिनी, मैंने बोला दामिनी की दामिनी को चलो लड्डू खाने, मैंने दामिनी को क्या बोला, चलो लड्डू खाने। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, वहां पे 4 नंबर थे बट यहाँ पे कितने डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट्स होंगे। टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट, 6 नंबर्स होंगे। तो अब उन 6 नंबर्स को किस तरह से, लास्ट वाला जो नंबर होगा, जो लास्ट का नंबर है वो किस नंबर पे आएगा बेसिस के, यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे, यूनिट पे जितना रहेगा वही आएगा। मैंने बताया था 2 रहेगा तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा, और 8 रहेगा तो 2 आएगा, 7 रहेगा तो 3 आएगा। तो अब यहाँ पे 1 है तो पहले मैं 1 लिख देता हूँ, 6 डिजिट्स आने वाले हमारे। अब बचे कितने, 5 डिजिट्स, तो उसी 5 डिजिट्स का यूज करके मैंने ये बनाया हुआ है। तो मैंने दामिनी को बोला कि चलो लड्डू खाने, तो लड्डू कौन खानेगा, दामिनी चलो, मैंने बोला दामिनी को चलो लड्डू खाने, ठीक है। तो दामिनी चलो, तो दामिनी को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा और 5 होगा, ठीक है, 1 3 2 6 5 1। तो अभी देखो यहाँ पे कितने 5 डिजिट्स आए, कितने 5 डिजिट्स, एक क्या अपने आप था यहाँ पे यूनिट प्लेस के। तो आप कभी भी लड्डू अगर याद आया, 51 बोला तो आपको लड्डू याद आएगा, लड्डू चलो दामिनी लड्डू खाने, तो दामिनी चलो, दामिनी चलो, तो दामिनी के 1 2 दामिनी 3 तो 2 चलो 6 5 1 याद है ना, देखो 1 3 2 6 5 1 फटाक से आएगा। अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो कुछ बचेगा ही नहीं। लायन, अब लायन बैठा था तो बहुत ज्यादा उदास था, तो लायन बैठा था बहुत ज्यादा उदास था, मैंने उसको बोला कि चल डॉक्टर के साथ चेस खेल, डॉक्टर के साथ चेस खेल, ठीक है। मैंने किसको बोला, लायन को, क्या बोला, डॉक्टर से चेस खेलो, डॉक्टर से चेस खेलो। लायन बैठा था तो बहुत ज्यादा उदास था, मैंने उसको बोला कि चल तुझे डॉक्टर से चेस खिलाता हूं, ठीक है। तो क्या बोला, डॉक्टर से चेस खेलो, डॉक्टर से चेस खेलो। या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि एक साइड डॉक्टर बैठे थे, एक साइड लायन, लायन बहुत उदास था, मैंने लायन को चिल्लाया डॉक्टर से चेस खेलो, डॉक्टर से चेस खेलो।
तो यहाँ पे लाइन को मैंने क्या खेला, डॉक्टर से चेस खेलो। तो आपको पता है सिक्स डिजिट्स होने वाले, तो लास्ट डिजिट कितने होंगे, टू है तो एट होगा। अब आपको फाइव डिजिट बनाने हैं, तो डॉक्टर वन डी आर फोर से जीरो एस सी एच एस तो सिक्स आएगा, यहाँ पे जीरो, ठीक है। बस फाइव डिजिट आ गए, तो इसको नहीं लेना, सिर्फ आपको मेमोराइज करने के लिए बताया गया। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गए सिक्स कोड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को बनाना। अभी तीसरा क्या दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ 53 लैंड। तो अब लैंड एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ उसको क्या करती थी, बहुत मारती थी। उसकी वाइफ क्या करती थी, उसको बहुत मारती थी। अब लैंड आदमी परेशान होकर उसको एक दिन बोला कि चल तुझे डॉक्टर से मिला के आता हूँ, चल तुझे डॉक्टर से दवा दिला देता हूँ। और उसने डॉक्टर को पैसे दिए हुए थे कि जैसे मैं अपनी वाइफ को लाऊंगा उसको आप बहुत मारना, उसको आप क्या करना, बहुत मारना, क्यों, क्योंकि ये मुझे बहुत मारती है। तो आप यहाँ पे जब भी आप लैंड देखेंगे तो आपको क्या आएगा, डॉक्टर उसने जैसे वाइफ को लेके पहुंचा तो उसने बोला डॉक्टर वाइफ को मारो, क्या बोला, डॉक्टर वाइफ को मारो, डॉक्टर वाइफ को मारो, डॉक्टर वाइफ को मारो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको कितने डिजिट चाहिए, सिक्स डिजिट, पहला थ्री लास्ट वाला थ्री है, तो यहाँ पे कितना जाएगा सेवन, ठीक है। अब कितने डिजिट चाहिए, फाइव डिजिट। अब इन्हीं में से फाइव डिजिट बनाते हैं डॉक्टर, तो वन फोर वाइफ, यहाँ पे वाइफ की स्पेलिंग जो है डब्ल्यू रहती है, बट यहाँ पे वी, क्यों, वाइफ को हमेशा वी से, मैं आपको कोडिंग जब सेंड करूंगा तो आप उसको देख लेना, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे वाइफ की जगह वी लेना है, डब्ल्यू की जगह क्या लेना है, वी, तो वी लेना, क्यों, हमारे कोडिंग में वी है, हमको एक वर्ड मिल जा रहा है वाइफ, इसलिए हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोडिंग भेजूंगा तो आप उसको देख लेना, टेलीग्राम पे रहेगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो नहीं जुड़े हुए वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा टेलीग्राम पे पहुंचेंगे, ओके। अब वाइफ को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वी एट है और ये भी एट है, के सेवन, ठीक है, कितना होगा, दो चार पांच, पांच तो हो गए सिक्स, ये नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको कोडिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। डॉक्टर वाइफ को मारो, वन फोर डबल एट डबल सेवन। अब यहाँ पे आ जाते हैं लारा, लारा क्या दिया हुआ है, देखो लारा जो है 54, आप जैसे 54 देखोगे आपको लारा याद आ जाएगी। तो आप, लारा आपकी बहन है, ठीक है, वो हमेशा कॉलेज जाने के लिए डेली कार से जाती है, किससे जाती है, कार से जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेली कार से, ठीक है, डेली कार से। अब यहाँ पे क्या है, फोर है, तो फोर का कोडिंग क्या होता है, फोर। अब कितने चाहिए, फाइव, तो इसको ब्रेक करते हैं, वन फाइव सेवन फोर एस जीरो आ गया, वन फाइव सेवन फोर जीरो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप कैसे बन गया, ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, सारी चीजों को बनाना है, ठीक है। डेली कार यहाँ पे, हाँ सॉरी, डेली कार चलाती है आपको लेना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, डेली कार चलाती है। तो अब यहाँ पे क्या मिला, वन मिला, यहाँ पे फाइव मिला, यहाँ पे सेवन, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ वन फाइव सेवन फोर, फोर भी है ना, और अपने को यहाँ पे कोडिंग क्या कर लेना, और यहाँ पे सिक्स, ठीक है, तो कितना हो गया, दो चार पांच। अब छठवा क्या करेंगे, फाइव एज इट इज लिख देंगे, फोर बना रहे तो फोर का लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे वन फाइव सेवन फोर सिक्स फोर, ये आपका हो गया लाला। अब क्या है, 55 लालू, तो ये अभी लालू का आप मुझे बताएंगे, लालू का कोड क्या होगा, ठीक है, लालू का कोड क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे, और लालू से आप सॉल्व करेंगे सीधा, आपको समझ गया टेक्निक, इसके बाद अगर नहीं समझता तो मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वाला इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। मैंने ये वीडियो सेपरेटली इसीलिए लिया क्योंकि मुझे चीजें आपको बतानी थी, आप समझ नहीं पा रहे करना क्या है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आपको करना है, और आपको जो चीजें चाहिए, पीरियोडिक टेबल आर्टिकल जो भी याद कराने हैं, जो भी आप चाहते हो याद हो जाए, डैम रिवर जो भी, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।